2018 की वेनम मूवी क्रिटिक्स को पसंद नहीं आई। मैं सीधे बात करता हूं और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मेटाक्रिटिक, रॉटन टोमेटोज और आईएमडीबी जैसे जितने भी पॉपुलर रेप्यूटेबल मूवी रिव्यू या क्रिटिक्स को आप देखोगे तो उन्हें वो मूवी पसंद नहीं आई। सीरियसली 2018 की वेनम मूवी क्रिटिक्स और फैंस के बीच में डिस्प्यूटेड रही है बहुत ज्यादा। तो भाई प्रॉब्लम होना तो जाहिर सी बात है। और आगे समझने से पहले हम सब ये बातें जान लेते हैं कि जर्नलाइज तौर से क्रिटिक्स को ये मूवी किन किन मुद्दों के ऊपर पसंद नहीं आ रही थी। पहली बात तो वो कह रहे थे कि मूवी बहुत ही स्लो स्टार्ट हो रही है। 90s के जमाने के उन्हें विजुअल इफेक्ट्स लग रहे थे, उन्हें मूवी बहुत ही जेनरिक और गुफी लग रही थी, और यहां तक कि मूवी में एक्टर्स की परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग टॉम हार्डी की परफॉर्मेंस को भी वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। आई मीन कि यार मैंने अपनी इसी वीडियो में कहा था कि टॉम हार्डी ने इस मूवी को बचा लिया। अगर कोई और एक्टर इस कैरेक्टर को प्ले करता तो मूवी देखने लायक भी ना होती। और अपन सब फैन के मामले में हमने ये पिक्चर देखी सबसे पहली बार इसी वजह से क्योंकि ये स्पाइडरमैन से कनेक्टेड है। ये मार्वल की पिक्चर है, ये मार्वल का पार्ट है, और असलियत में इन एक्चुअल ये कैरेक्टर वेनम स्पाइडरमैन की वजह से ही तो उजागर हुआ। अब देखो मैं ऐसे कोई ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवी का नाम नहीं देने वाला, इतना मेरे से नहीं कहा जाएगा। मैं बस यही कहूंगा कि ये एवरेज से थोड़ा सा ऊपर थी। मैं ये मानता हूँ कि मूवी के फर्स्ट हाफ को लेकर इसके एक्सपोजिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इसकी वजह से इसे इतना हेट मिले कि इसे डिजास्टर घोषित कर दें सब। अब देखो वेनम मूवी के ऊपर हम जितनी भी सारी कमियां निकाल लेते हैं उसका मैं पूरा का पूरा जिम्मेदार सोनी को मानता हूं, क्योंकि बैक इन द डेज जब 2017 में वेनम मूवी के ऊपर काम चल रहा था तो मूवी के डायरेक्टर रूबन फ्लैशर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस दी गई कि आप इसे ना मार्वल बनाने की कोशिश करेंगे ना डीसी बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें स्पाइडी नहीं होगा, तो इस बार कुछ नया करते हैं, इसमें थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट का स्पाइन डाल के इसे थोड़ा सा पॉप फन भी बनाते हैं। और इस बात में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूबन फ्लैशर का ये स्टाइल भी थोड़ा बहुत यही है डार्क डिम मूवीज के साथ, वो थोड़ा सा पॉप फन एलिमेंट के साथ अपनी कहानियों को दिखाते हैं जैसा कि उन्होंने अपनी ज़ॉम्बीलैंड मूवी के साथ किया है। और उसमें तो विजेता बवाल लग रही थी। अब देखो तुमको पता ही है कि आईपीएल कैंसल हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से मैचेस और टेस्ट मैचेस चल ही रहे हैं। इसके अलावा कई सारे फुटबॉल, बास्केटबॉल और स्पोर्ट्स इवेंट्स भी हैं जहां से आप पैसे बना सकते हो सिंपल और फन गेम्स खेल के। 1x बहुत रिलायबल है और आपको ऑनेस्टली विनिंग्स रिसीव होंगी, जहां पेटीएम और बैंक से इजीली विड्रॉ कर सकते हो, और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए आपको $100 आपके पहले डिपॉजिट पे मिलेंगे, और इनके लिंक और प्रोमो कोड आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएंगी। मगर भैया जी एक बात यहां पे ध्यान दीजिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जितनी भी पिक्चरें डायरेक्ट की हैं सबकी सब आर रेटेड, जिसका मतलब है कि उनके अपने काम में कभी भी उन्हें क्रिएटिव बंदिशें नहीं मिली। उनके विजुअल स्टाइल को लेकर वो कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे उनके लिए वेनम मूवी के साथ में प्रॉब्लम क्या आई कि उन्होंने 2018 के comicbook.com के इंटरव्यू में ही बताया कि वो सोनी के पास गए थे, उनके एग्जीक्यूटिव्स के पास वेनम मूवी के वॉयलेंस और आर रेटिंग को पुश करने के लिए, मगर वो मना कर दिए, उन्होंने माना नहीं, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि स्पाइडरमैन की जो पोटेंशियल फैमिली फ्रेंडली वाली ऑडियंस है उनके साथ क्रॉसओवर्स करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, और मार्वल की आने वाली मूवीज के कैरेक्टर्स के साथ भी क्रॉसओवर्स करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसकी वजह से उन्होंने पिक्चर को PG-13 का ठप्पा मार के पब्लिश कर दिया। आई मीन को मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है PG-13 मूवीज से, डिज्नी की सिंड्रेला मूवीज अभी तक मेरे को पसंद है, मगर यार जब इतने बड़े दांत दिखाए हो तो किसी को चबाओ ना यार, क्यों दिखाने का क्या मतलब है तुम्हारा। और ये बहाना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि स्पाइडरमैन की फैमिली फ्रेंडली ऑडियंस को ये बात पसंद नहीं आएगी। अभी तक तुम सबको क्या लग रहा है कि अभी हम बच्चे ही है स्पाइडरमैन को लेकर, वो बच्चा होगा, हम सब नहीं, बदनाम हो गए हैं स्पाइडरमैन के साथ यार। और मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी डायरेक्टर का विजन उसकी कहानी के साथ मैच नहीं करेगा तो कहानी तो मैस बनेगी ही, जैसा हमने जैक स्नाइडर के साथ देखा था, वो ट्रू इमोशन आपको डिलीवर करने में ही वो बंदा फेल हो जाएगा। और यही तो रूबन फ्लैशर की बात सेंस बनाती है। वेनम ऐसे कैरेक्टर भी कॉमिक्स में भी क्रीपी और बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट और थ्रेटनिंग कैरेक्टर है, वो चीरता है, फाड़ता है, मार डालता है, चबा डालता है लोगों को, और इस बात को आप सिर्फ इसीलिए काट दिए कि एक 16 साल के लौंडे की फैन ऑडियंस को वो बात पसंद नहीं आएगी। कभी तो उसको बड़ा होने दिया करो, दुनियादारी कब सीखेगा, 4 साल से हाई स्कूल में अटका हुआ है, किस स्कूल में है ये, अंकल बेन मर गए भाग गए कुछ पता नहीं चल रहा है, आंट में पे पूरी दुनिया लाइन मार रही है। अब देखो मेरे को पर्सनली वेनम एज अ कैरेक्टर को आर रेटिंग में देखना है, हमेशा लंग्स, पैनक्रियाज और आईज की बात करता रहता है, खाएगा कब। और आर रेटिंग सुपर हीरो मूवीज को इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा प्रोड्यूस करने का, क्योंकि जो जनता है उसे अब कन्वेंशनल सुपर हीरो से ज्यादा एंटी और बुरे सुपर हीरोज की मूवीज ज्यादा पसंद आ रही हों, जो अपने हरकतों को लेकर एक्सपोज्ड हों, वाइल्ड हों, सैवेजेस की तरह हों, और इन द मीन टाइम मतलब कि आर रेटिंग के साथ हों, और वो पैसे भी कमा रही हैं, तो पैसे मैं दे रहा हूं ना, बनाओ ना। अब देखो ये तो मैंने बता दिया कि स्टूडियो के क्रिएटिव्स के डिफरेंसेस को लेकर कहां पे ये सब सारा रंडापा शुरू हुआ जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, मगर इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स क्रिटिक्स ने हमें गिनाई
भाई, उनसे मैं कुछ डिसएग्रीमेंट्स रखता हूँ जिनके बारे में अभी बताता हूँ आपको। जैसे कि उन्होंने मूवी में बाकी सारे कास्ट की एक्टिंग को और परफॉर्मेंसेस को क्रिटिसाइज किया, और मैं कहता हूँ कि भाई टॉम हार्डी ही वो शख्स थे जिनकी वजह से मूवी बच गई, देखने लायक बन गई। उनकी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग की वजह से उस मूवी में वो मेनियक सेंस आता है। शुरू में टॉम हार्डी का कैरेक्टर माचो आदमी होता है, मगर आधे आधी कहानी बीतते हुए हमें वो बहुत ही ज्यादा वीक, वर्नेबल और एक्सपोज्ड दिखता है। इसके अलावा मूवी की बाकी कास्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, यहाँ तक कि मिशेल विलियम्स बहुत ही अच्छी थी उसमें, और रिज अहमद भी ठीक ही थे, उनके मैंने काफी सारी अच्छी मूवी देखी है, जिसकी वजह से मैं इनके परफॉर्मेंसेस को कंप्लीट मानता हूँ। और उसके बाद जो उन्होंने मूवी के वीएफएक्स को लेकर प्रॉब्लम्स को दिखाया, तो मैं कहता हूँ कम ऑन यार, 90s वाला बहाना कुछ ज्यादा ही हो गया। आई मीन मूवी के विजुअल्स कहीं भी बुरे नहीं थे। वेनम की जैसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है किसी स्लाइम, मोल्ड और किसी गू की तरह, वो उसकी पर्सनैलिटी को इंटिमिडेटिंग, थ्रेटनिंग बना के स्टैंड आउट कराती है किसी बीस्ट की तरह, जैसे वो हमें दिखना चाहिए। अब देखो मूवी की वीएफएक्स के अलावा भी मूवी का अपना एक विजुअल स्टाइल है, आपको हर एक कलर इसमें देखने को नहीं मिलेगा, और ऊपर से मूवी की वाइब्रेंसी को वॉश आउट करके इसमें डार्कनेस और कॉन्ट्रास्ट को जगह दे दी गई है, जो कि मुझे कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आती, ऊपर से अच्छा ही लगता है। क्योंकि ये मूवी अब ऐसी बन चुकी है कि फन एलिमेंट नाम पे मार्वल बनने की भी कोशिश नहीं करती और डार्कनेस के नाम पे डीसी भी नहीं बनती, और जिसकी वजह से इन्होंने सुपर हीरो मूवीज का एक कॉमन ग्राउंड खोज लिया कि दोनों सिनेरियोस को एक में ये करके दिखा सके। अब देखो ये बात भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मूवी आजकल के सुपर हीरो मूवीज के हिसाब से कॉम्पिटेंट फील इनफ नहीं होती अगर हम कंपैरिजन करने बैठे तो, मगर भाई ये बात भी ध्यान दो कि इसने ना मार्वल बनने की कोशिश की ना डीसी बनने की कोशिश की, और हमें एक अच्छा बीस्ट वाला एंटरटेनर पैक दिया। अब देखो मैं इस पिक्चर के चॉइसेस को लेकर इसे कोई सिंपैथी नहीं दे रहा हूं कि हे भगवान इस पिक्चर को डिफेंड नहीं कर रहा है, चलो मैं आ जाता हूं, नहीं, पिक्चर एक्चुअली में अच्छी है, और जिस हिसाब से ये क्रिटिक्स से हेट ले रही है वो ये डिजर्व नहीं करती। मोर देन मेजोरिटी ऑफ जनता को ये पिक्चर पसंद आई, और ज्यादा तादाद में पसंद आई। मुझे तो बुरा तब लगा जब क्रिटिक्स ने इस पिक्चर को अनवॉचेबल डिजास्टर कहा और मार्वल की वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज में से भी इसे एक कहा, जो कि ये सारी बातें अगर आप कलेक्टिव तौर से पिक्चर को देखने के बाद एनालाइज करोगे तो ये बातें कोई सेंस नहीं बनाती, क्योंकि हर पिक्चर आपको स्पाइडरवर्स की तरह जिंदगी का भाव नहीं सिखाने वाली, कुछ जिंदगी लेना भी सिखाती है। मगर इन सब बातों का कुछ मतलब नहीं होगा जब तक आप साथ नहीं दोगे। अब देखो ये बात कम हैरानी की थी कि सोनी ने इस पिक्चर के डायरेक्टर को चेंज कर दिया, मगर इसके अलावा उसने पिक्चर के राइटर, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, कंपोजर सबको चेंज कर दिया सिवाय इसकी पीजी रेटिंग के। कसम से यार मेरा दिल कर रहा था कि इसको आर रेटिंग में वेनम को देखूं, मगर इन्होंने किया ही नहीं। कम से कम वेनम ब्रदर्स इस काम में तो अच्छा है कि वो डायरेक्टर्स कट में सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन आप फिर भी बताइए, आप कितना एग्री करते हैं क्रिटिक्स के ओपिनियन से, या फिर आपको कैसा देखना पसंद है, वेनम पीजी में कि आर रेटिंग में? अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपके फैमिली में वॉयलेंस ज्यादा देखना पसंद करते हैं कि नहीं लोग, उसके बारे में मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको सीडियो देखिए कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो सीडियो को। इस चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए PJ Explain.